हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका स्वागत है। क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो चुका है और एग्ज़ाम होने के बाद सभी कैंडिडेट्स के दिमाग में एक बात रहती है कि कट ऑफ कितना रहने वाला है, क्योंकि हम आंसर की मैच कर चुके होते हैं। ऑफिशियल आंसर की तो एकदम से नहीं आती है, पर इंटरनेट पे बहुत सारी प्राइवेट आंसर कीज पड़ी रहती हैं, तो उनमें अपने नंबर चेक कर लेते हैं और फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन घूमने लगता है कि हमारा होगा कि नहीं होगा। तो उसके बाद कैंडिडेट कट ऑफ को सर्च करना शुरू करते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी सारे संस्थान होते हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो आंकड़ों का विश्लेषण करके एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालते हैं कि कट ऑफ इतने से इतना रहने वाला है। तो मैंने भी आपके लिए आंकड़ों का विश्लेषण करके एक कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया है। तो यदि आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो और करंट अफेयर्स की डेली अपडेट पाना चाहते हैं और साथ में जीके के अलग अलग टॉपिक्स जो होते हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ के अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तथा अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो राम जी की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं। मैं आपको बताना शुरू करता हूं, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम की डेट थी 27 नवंबर 2020 से 14 दिसंबर 2020, लगभग ये 6 से 7 दिनों के जो पालियां लगी थी उसमें ये एग्ज़ाम हुआ है। अब आपने वो क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि सब्जेक्ट्स क्या क्या थे, क्वेश्चन कितने थे, वो कितने मार्क्स के थे और आपको टाइम कितना दिया गया था। तो 4 सब्जेक्ट थे जिसमें जीके के साथ करंट अफेयर, मैथमेटिक्स और रीजनिंग और कंप्यूटर था। इस बार लैंग्वेज का एग्जाम नहीं था, प्रीवियस जो पेपर होते थे, पहले जो पेपर हुए 2016 में हुआ तो उसमें लैंग्वेज का भी एग्जाम था, यानी हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक चूज करनी थी। अब आप ये देखिए कि जीके के 50 क्वेश्चन थे और क्योंकि एक क्वेश्चन एक नंबर का था इसी हिसाब से 50 मार्क्स का हुआ। मैथ्स के जो क्वेश्चन थे वो 15 थे और 15 ही नंबर के थे। रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वो 25 क्वेश्चन थे और 25 ही मार्क्स के थे। और जो कंप्यूटर से आपके क्वेश्चन आने थे वो 10 थे और 10 ही मार्क्स के थे। इस हिसाब से आपके क्वेश्चन हुए 100 और 100 ही मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ। जो आपको टाइम दिया गया था वो था 90 मिनट्स का, यानी कि आपको 1.5 आवर मिला था, आपको 1.5 घंटा मिला था इन 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। और साथ के साथ में नेगेटिव मार्किंग भी थी 0.25 की, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं, गलत अटेम्प्ट करते हैं तो आपका एक नंबर काट लिया जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना था। आइए सीधे चलते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखिए, अभी 2019 से एक नई कैटेगरी बन के आ रही है जिसको EWS कहते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो जनरल कैटेगरी में ही लोग होते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं पर और वो पूरी तरह से समाज में काफ़ी दिक्कत को झेल रहे हैं, उसके लिए एक अलग से सेक्शन बनाया गया है EWS। अगर आपने उस कैटेगरी को भर के एग्ज़ाम दिया है तो आपको इस बार काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। पहले 4 कैटेगरीज होती थी, अब 5 कैटेगरीज हो गई हैं। तो 5ों कैटेगरीज में मैं आपको ये बताऊंगा कि मेल की कट ऑफ कितनी जा सकती है और फीमेल की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जनरल या यूआर। यूआर होता है अनरिजर्व्ड, तो जनरल और अनरिजर्व्ड एक ही बात होती है। इसमें मेल का जो कट ऑफ है वो 70 से 75 के बीच में जा सकता है, यानी कि अगर आपके 70 से और 75 के बीच में नंबर बन रहे हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए बिना देरी किए। फीमेल का कट ऑफ जा सकता है 68 से 72, 68 to 72। ये है EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कट ऑफ जनरल के मुकाबले लगभग 10% कम रहता है। तो आप ये मान के चलिए कि 10 नंबर कम पे रहेगा, तो हम यहाँ जो मैंने विश्लेषण किया है, आंकड़े देखे हैं, थोड़ा उसको एनालाइज किया है, तो EWS का कट ऑफ जाने वाला है 62 से लेकर 65, मतलब पुरुष के लिए, मेल के लिए, और फीमेल के लिए जाने वाला है 58 to 61। इसी तरह अगर अदर बैकवर्ड क्लास OBC की बात कर लें तो मेल की कट ऑफ जा सकती है 69 से 73 और फीमेल की कट ऑफ जा सकती है 62 63। अगर SC की बात हम करें तो SC कैटेगरी में मेल की कट ऑफ जा सकती है 62 63 और फीमेल की कट ऑफ जा सकती है 52 to 57, यानी 52 से लेकर 57। और ST जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं उनका कट ऑफ जा सकता है 56 से लेकर
59 तक, यानी 56 टू 59, और फीमेल का कट ऑफ जा सकता है 52 53। तो ये सब आंकड़े हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। अगर आपके नंबर इन आंकड़ों के बीच में बन रहे हैं तो आप बिल्कुल तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए मैं आपको ये कहता हूं कि बिल्कुल यही होगा, यही कट ऑफ आएगी, ये मैं आपको नहीं कहता, पर इसी के बिल्कुल आसपास रहने वाली है आपकी कट ऑफ। तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए जैसे कि आपके 70, अगर किसी के 70 to 75 है तो कॉन्फिडेंटली तैयारी कर सकता है, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके 68 भी बन रहे हैं तो भी आप अपनी तैयारी कीजिए, 2-4 नंबर ऊपर नीचे भी हो रहे हैं तो भी आप अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कई बार ऑफिशियल आंसर की में कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, उन पे रिट पड़ जाती है, तो उनके नंबर भी आयोग दे देता है, कमीशन दे देता है। तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, और खाली अब ये अपने एग्जाम दे दिया, आप फिजिकली तैयारी करते रहिए, साथ में आप अपने NTPC एग्जाम तथा लेखपाल की भी भर्ती आने वाली है, UPSI की भर्ती आने वाली है, तो उस पर जाके फोकस करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी अच्छी जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।